अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? ठीक है। आज हम बताते हैं आपको कि हाउ टू ड्रॉ अ मेजरमेंट शीट इन एक्सेल। ठीक है, तो ये हमने जनाब एक्सेल यहाँ से खोल लेना है, ओपन करेंगे इसको, एक्सेल की शीट को। तो ये अब हमारे पास इस तरीके से हमारे पास ब्लैंक शीट आ जाएगी। ठीक है, ये शीट नंबर 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, तो हम शीट नंबर 1 पे वर्किंग करते हैं। सबसे पहले मैं ड्रॉ करना चाहता हूँ सीरियल नंबर, जो भी लिखना है आपने वो लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन नंबर, आगे मेजरमेंट है, मेजरमेंट में क्या क्या लिखना है आपने, लेंथ, वेट, हाइट। ठीक है, इधर हम क्वांटिटी लिख लेते हैं इसको मल्टीप्लाई करने के बाद, और लास्ट में रिमार्क्स भी लिख सकते हैं, या यूनिट पहले लिख लें और लास्ट में रिमार्क्स भी लिख सकते हैं, यूनिट पहले भी लिख सकते हैं, जहाँ पे नंबर है यहाँ पे भी यूनिट लिख सकते हैं। यानी कि ये इस तरीके से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको कॉलम्स को जो है वो आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसको मर्ज कर लें। ठीक है जी, अब बॉर्डर लगाना है इसको, तो बॉर्डर जहाँ पे आपने लगाना है वो सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे जाके आपने ऑल बॉर्डर कर देना है। तो ये हमारे पास एक मेजरमेंट शीट आ गई। ठीक है जी, इसको हम सेटिंग वगैरह आती है इसे सेट करना होता है, इस तरीके से कर सकते हैं इजी, तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पे इस तरीके से आप कर सकते हैं। अच्छा, एक बात यह जहन में रखनी है, जो भी कमांड आप एक दफ़ा लगाएंगे उसके बाद अगर आप F4 को प्लस करेंगे तो दोबारा वही कमांड आपकी लग जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास एक छोटा सा लेक्चर था मेजरमेंट शीट ड्रा करने का। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।